एक लड़की जब किशोरावस्था में कदम रखती है तब उसे सबसे पहले जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह है मासिक धर्म। हम जानते हैं कि इसको लेकर समाज में कई तरह के भ्रम प्रचलित है। महिलाएं कई तरह की समस्याओं का सामना करती है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन इसी समस्या को लेकर बड़ी बात उठा रही है। हमने इस संबंध में बात की इंदौर शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुमा शुक्ला से। आइए जानते हैं उनकी अनमोल सलाह खास आपके लिए। सामान्य मासिक धर्म किसे कहते हैं? हर स्त्री के जीवन में हर माह रक्त स्त्राव होता है बच्चेदानी से, जिसे माहवारी कहा जाता है। नॉर्मली यह 25 से 30 35 दिन के अंतराल से होता है। शुरुआत में जब स्त्री कन्या के रूप में होती है तो नॉर्मली यह 10 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है माहवारी, जिसे हम मेनार्की कहते हैं। और माहवारी का अंत, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, वह इंडियन फीमेल में 50 से 55 वर्ष के दौरान होता है। माहवारी के दौरान साफ सफाई का ध्यान कैसे रखें? पेट को कितनी बार बदलना जरूरी है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। हमारे देश में महावारी के दौरान साफ सफाई एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बहुत से स्त्रियां अभी भी गाँव में कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। इससे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं और यह इन्फेक्शन जब ऊपर शरीर में पेट में पहुंचता है तो उसके कारण कई तरह की बीमारियां रोग लग जाते हैं। इसलिए इस दौरान साफ सफाई का रखना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत कम कीमत में सैनिटरी पैड उपलब्ध हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि हर स्त्री को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। वह पैड लगाने के पहले अच्छी तरह हाथ धोए और इस्तेमाल के बाद में हर 3 से 4 घंटे में अगर पैड पूरा भर जा रहा है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। फेंकते समय भी हमें उसे प्रॉपर कागज में लपेट के एक सही जगह पर ही उसको डिस्कार्ड करना चाहिए और उसके उपरांत हाथ अच्छे से धोना चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पैसे के कारण पैड नहीं खरीद सकता है तो वह सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह कपड़ा अच्छी तरह धुला हुआ, एक तेज धूप पे सूखा हुआ कपड़ा होना चाहिए, तभी उस कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके सिवा हाइजीन के रूप में हमें किस तरह से पैड लगाना है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैड हमेशा 3 से 4 घंटे में बदलना है और उस दौरान पेशाब के रास्ते की साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इस समय में स्त्री इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ससेप्टिबल या हम बोल सकते हैं प्रोन रहती है, तो साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अनियमित मासिक धर्म क्या है? अगर माहवारी 25 दिन से लेके 35 दिन के दौरान अंतराल से आ रही है तो वह एक नॉर्मल रिदम बोला जाता है। किसी किसी स्त्री में वह थोड़ा जल्दी आ सकती है और किसी स्त्री में वह थोड़ा चढ़ के भी आती है। इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बनाएं, जिसका मतलब होता है कि जिस भी दिन आपका महीना आया है आप कैलेंडर में उसे निशान लगा के रखें और जितने दिन ब्लीडिंग हो रही है वह आप कैलेंडर में निशान लगाएं। हर महीने ये अगर आप जिंदगी भर निशान बनाएंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपका माहवारी नियमित है कि नहीं। हाँ, अगर महीना 25 दिन या 22 दिन से पहले पहले आ जा रहा है, किसी किसी को 15-20 दिन में भी आ रहा है, तो यह इसका मतलब है कि यह माहवारी आपकी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। या फिर महीना डेढ़ दो दो महीने हो गए और महीना नहीं आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। माहवारी से संबंधित कौन सी भ्रांतियां प्रचलित हैं? हमारे देश में एजुकेशन बहुत पुअर है, अभी भी काफ़ी जनता अशिक्षित है और जिसके कारण ये छोटी सी जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, एक शरीर के सामान्य क्रिया है जिसे हम महीना कहते हैं, उसको लेके कई तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं। जैसे माहवारी के दौरान छुआछूत, एक दूसरे को छूते नहीं हैं, मटके में से पानी नहीं निकालते हैं या फिर जमीन में सोते हैं, इस तरह की ये जो भ्रांतियां हैं ये सब गलत हैं, क्योंकि माहवारी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी
प्रक्रिया है, वो शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की छुआछूत होना गलत है। तो इस चीज को हमें छोड़ना होगा। और दूसरी भ्रांतियां होती हैं कि आप अचार नहीं खा सकते, अचार के बर्नी में से अचार नहीं निकाल सकते, अचार खराब हो जाएगा, ये सब भी भ्रांतियां गलत हैं जो कि अशिक्षा के कारण है। तो इसे हमें दूर करना जरूरी है। फिर त्योहारों पे अक्सर महिलाएं हमारे पास आती हैं कि हमें महीना या तो प्रीपोन करना है, जल्दी लाना है, या बढ़ाना है क्योंकि त्योहार आ रहा है, जो कि यह गलत है। इसे हम किसी हार्मोन्स को लेके अगर हम अपने महीने को डिस्टर्ब करते हैं, बढ़ाते हैं या जल्दी लाते हैं, तो उसका एक गलत असर आपके शरीर पर पड़ेगा। इस तरह के हार्मोन से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी होती हैं, गंभीर परिणाम होते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोई भी त्योहार आए, महीने के दौरान आपको उसको बढ़ाने की कतई जरूरत नहीं है। आप महीने के दौरान भी अपना त्योहार आप अच्छी तरह से मना सकते हैं, किसी तरह के हवन पूजा में उसके लिए कोई आप अछूत नहीं हो जाते हैं, आप अच्छे से पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं और अपने त्योहारों को एंजॉय कर सकते हैं। अधिक रक्तस्राव और कम रक्तस्राव का एक महिला के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये सही है कि किसी किसी का महीने के दौरान फ्लो कम होता है और किसी को ज्यादा होता है। अगर केवल छींटे छींटे जा रहे हैं या बहुत ही कम खून जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। या फिर ज्यादा खून जा रहा है, ज्यादा खून हम किसे कहते हैं? जब माहवारी के दौरान क्लॉट जाए, खून की थक्की जाए, या फिर हर दो घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फ्लो ज्यादा है। या फिर वो महीना 4-5 दिन के बजाय 8-10 दिन तक लगातार चल रहा है, तो भी इसका मतलब है कि आपको खून ज्यादा जा रहा है। इस दौरान आप अपने आप स्व इलाज न करें या बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आप दुकान से दवाइयां न लें, बल्कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं, नहीं तो एक कुछ गंभीर समस्या आ सकती है।